नहीं, ये मैं मॉस्फेट चेक कर रहा हूँ, बैटरी मॉस्फेट, ये भी शॉर्ट नहीं, कॉयल ग्राउंड से, चार्जिंग ऐसी गई है लगता है, कॉयल ही शॉर्ट आई पड़ी है। तो कॉयल जब शॉर्ट है तो सही बात है कि चाहे तो, चूँकि बैटरी मॉस्फेट शॉर्ट नहीं है, चूँकि बैटरी मॉस्फेट वो रास्ता है जहाँ से बैटरी की वोल्टेज और 19 वोल्ट टकराती है, जिससे कि आपकी अडेप्टर की लाइट ब्लिंक करने लगती है, या पहली वाली एसी ड्राइव और आरफी फेड जो होती है और एसी फेड जो होती है, वो उसमें से जो ब्लॉकिंग वाली है वो अगर शॉर्ट हो जाती है तो उसकी वजह से भी सम टाइम ब्लिंक करने लगती है। यानी दो पाथ ऐसा है जिसके शॉर्ट होने से आपकी अडेप्टर की लाइट ब्लिंक करने लगती है, ठीक है। वो कौन सा पॉइंट है? एक तो यही फेट है, ये बैटरी वाली फेट, जिसकी वजह से वो बत्ती ब्लिंक करने लगेगी अडेप्टर की और पावर सप्लाई में ऑटो कट आने लगेगा, वोल्टेज फ्लक्चुएट करने लगेगी। दूसरा कौन सा है? वो जो ब्लॉकिंग फेट है, अगर वो शॉर्ट हो जाता है तो उसकी वजह से भी अडेप्टर की वोल्टेज और बैटरी की वोल्टेज आपस में टकराने लगती है और नतीजा क्या निकलता है कि आपकी अडेप्टर की लाइट ब्लिंक करने लगती है। आइए ज़रा देखते हैं डायग्राम में कितना लिखा हुआ है। तो चार्जिंग आईसी कहाँ गई? यही है ना, चार्जिंग आईसी, और ये सेंसिंग रजिस्टर है डीसी इन वाला, और यहाँ पर होगा बैटरी वाला, ये वाला बैटरी वाला। तो 0.1 मिली ओम का ये लगा रहता है और ये एरिया शॉर्ट बता रही है। तो एक पॉसिबिलिटी मैं क्या बता रहा हूँ कि एक तो जो बत्ती ब्लिंक करती है कि ये एरिया अगर शॉर्ट हो जाती है, ये एरिया, तो बैटरी की वोल्टेज और अडेप्टर की वोल्टेज टकराने लगती है, ठीक है। 19 वोल्ट और अडेप्टर की वोल्टेज टकराने लगती है, जिससे क्या होता है कि आपकी बत्ती ब्लिंक करने लगती है या पावर सप्लाई की जो है वोल्टेज फ्लक्चुएट करने लगती है इसकी वजह से, ठीक है। और सेंस नहीं करने का वजह, ये जो 17 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, सेंसिंग रजिस्टर हमारे ग्राउंड से ज़ीरो बता रहा है, जो कि ओपन होनी चाहिए, ठीक है। 12 वोल्ट बनना है यहाँ पर, तो इसलिए ओपन होनी चाहिए, और यही हमने देखा यहाँ पर कि ये हमें बता रहा है ज़ीरो, यही ना बता रहा है ज़ीरो, सेंसिंग रजिस्टर PR 765, यही नंबर है PR 765। तो यानी कि ये शॉर्ट है। अब शॉर्टिंग का कितना रीज़न हो सकता है? ये यहाँ से शॉर्ट हो गई है जिसकी वजह से कॉयल शॉर्ट बता रही है और रजिस्टर भी शॉर्ट बता रही है, या इतना सारा कैपेसिटर यहाँ पर है इसमें से कोई शॉर्ट हो सकती है, या ये जहाँ से आ रहा है, यानी वो जो बैटरी एरिया था हमारा, बैटरी एरिया था ना, ये बैटरी वाला एरिया जो था, इसके पास ये कैपेसिटर कुछ भी इसमें से शॉर्ट हो सकता है। तो इतना सारा है, मुझे लगता है कि इसमें से चार्जिंग आईसी भी एक रीज़न हो सकती है, और इनमें से ही मुझे तो यहीं पर कुछ लग रहा है लोचा, कहाँ पर, ये जो इसके पास कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो चलिए फिर हम लोग अब मिलते हैं अगले केस स्टडी के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।